आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। प्याज की बढ़ती कीमतों से जहां आम जन परेशान है, वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों ने इस बार पिछले कई साल से घाटे का सामना कर रहे मूली उत्पादक किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है। दरअसल प्याज की कीमतों में उछाल से प्याज सलाद की थाली से लगभग गायब हो गया है। ऐसे में होटल मालिकों द्वारा अब प्याज की जगह मूली को तवज्जो दी जा रही है, जिससे मूली की डिमांड बढ़ने से किसानों को मूली की फसल के अच्छे भाव मिल रहे हैं। रादौर में मूली की खेती करने वाले किसान बलवंत ने बताया कि वे कई वर्ष से मूली की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्याज की बड़ी कीमतों से उन्हें मूली के अच्छे दाम मिल रहे हैं। आपकी बार अच्छा रेट मिल रहा है, 6-7 रुपए किलो बिक रही है। आगे पहले साल से पहले तो बिकती थी 2 रुपए किलो, अब के प्याज महंगा होने की वजह से अब की बार रेट ठीक है मूली का। सर्दी में भी प्याज की महंगी होने से मतलब इसका सलाद में प्याज देते थे ना, तो अब मूली चलाई प्याज की जगह, प्याज धंधा नहीं आई कोई होटलों में। ऐसे में मूली के अच्छे भाव मिलने से पिछले कई साल से घाटे का सामना कर रहे मूली उत्पादक किसानों के चेहरे पर रौनक जरूर ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स भारत।